थाना रौजा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। अंतर्राज्यीय बावरिया गिरोह के 4 सदस्य पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। वह इनके कब्जे से सोने के 10 ग्राम जेवरात व चांदी की लगभग 3 किलो जेवरात व 1 अदद तमंचा, 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस, 315 बोर व 8 अदद मोबाइल फोन सहित चोरी के अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 3 सितंबर की रात्रि बरतारा मार्केट में मयंक प्रताप सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी रछौआ कला की बरतारा स्थित ज्वेलर शॉप में पीछे के रास्ते अज्ञात चोरों द्वारा नकब लगाकर तिजोरी तोड़कर सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए, जिस संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण में व प्रवीण कुमार क्षेत्र अधिकारी सदर के निर्देशन में थाना रौजा पुलिस की टीम गठित कर घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही 9 सितंबर को थाना अध्यक्ष जयशंकर सिंह के नेतृत्व में थाना रौजा की पुलिस टीम द्वारा शाम करीब 7:30 बजे मुखबिर की सूचना व निशानदेही व सर्विलांस के आधार पर सीतापुर रोड स्थित जमुका तिराहे के पास पुलिस मुठभेड़ के दौरान 4 नफर अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। वहीं इनके कब्जे से सोने के 10 ग्राम जेवरात व चांदी के लगभग 4 किलो जेवरात व 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 1 अदद खोखा, 8 अदद मोबाइल फोन, चोरी के उपकरण आदि बरामद हुए हैं। अभियुक्त कड़के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विगत दिनों 3/4 सितंबर की रात को थाना रौजा क्षेत्र के बरतारा गाँव के पास एक सोनार की दुकान पे नकबजनी की घटना हुई थी। उसमें उसके चांदी और सोने के जेवरात नकबजनी में चले गए थे। इसको बहुत ही शिद्दत से पता करके वर्कआउट किया गया। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि जो उस घटना में शामिल थे वो कहीं उसी घटना से संबंधित माल को किसी को बेचने के लिए जा रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। इस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पुलिस ने बहुत संयम और साहस का परिचय देते हुए आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से सोने और चांदी के काफ़ी आभूषण बरामद हुए हैं जो इसी घटना से संबंधित हैं। इनसे गहनता से पूछताछ की गई है। उनके द्वारा अन्य जगहों पर भी कई घटनाएं कारित की गई हैं पहले, उसके बारे में भी जानकारी करते हुए उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अखंड भारत न्यूज के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, साझा।